गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं वेस्टेड इन्वेस्टर। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, एलिट वेव ये सब सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि आपके साथ में कुछ ना कुछ नया शेयर करूं जिससे आप सीख के सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम कल के स्टॉक्स को डिस्कस कर लें जो हमने शेयर किया था। तो हमने पहला स्टॉक जो शेयर किया था अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे कि हमें कोई भी डिप मिलता है 127% तक तो एक्यूमुलेट करके चलेंगे। यहाँ पे लगभग 1.25% का मूव देखने को मिला। इसके बाद फिर सेकेंड हाफ में हमें एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। ग्रासिम की बात की थी कि ग्रासिम में अगर कोई भी डिप मिलता है हमें 61.8% तक तो हम एक्यूमुलेट करके चलेंगे। यहाँ पे जो टारगेट है वो इंटैक्ट है 2946 का, तो आने वाले टाइम में हमें यह टारगेट रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। अपोलो टायर की बात की थी कि यहाँ पे ये एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइस 38% के ऊपर क्लोज कर रहा है और 61.8% का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये क्लोजिंग हमें 61.8% के आसपास में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक इनडिसाइसिव कैंडल है, तो इस कैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पे वापस से मोमेंटम खुलता हुआ दिख सकता है। जो टारगेट है वो इंटैक्ट है 592 का, आने वाले टाइम में हमें ये टारगेट भी रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। इंडिजीन की बात करें तो यहाँ पे भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 600 एक अच्छा है इसके लिए रेजिस्टेंस का एरिया, मल्टीपल टाइम यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो यहां पे अगर ये 600 का ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग करके चल सकते हैं। जो टारगेट है 639 का, तो यहां पे हमें एक अच्छा खासा 3% के आसपास का मूव यहां पे भी देखने को मिला। अब चलिए हम डिस्कस कर ले स्टॉक्स जो कल के मार्केट में अच्छा चल सकते हैं या फिर जहां पे पोजीशन बनाया जा सकता है। मैं आपके साथ एक डिस्क्लेमर शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी स्टॉक मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं या फिर या तो इन्वेस्टमेंट पोजीशन में होते या फिर ट्रेडिंग पोजीशन में होते। मैं कोई भी बाई या सेल का एडवाइस या रेकमेंडेशन या टिप प्रोवाइड नहीं करता हूं। जो भी स्टॉक मैं यहां पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको पैटर्न यहां पे सिखाता हूं कि आप सीख के खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो मैं यहां पे मेरा कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में पोजिशन बनाएं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्लानिंग करें, अपने हिसाब से आप टेक्निकल एनालिसिस करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें, अगर वो आपको एडवाइस करते तो फिर आप पोजीशन बनाएं। तो यहाँ पे हम बात करें टाइटन की, तो टाइटन को मैं काफी लोअर लेवल से ऑलरेडी कवर करते आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे 4100 और 4400 का टारगेट दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये टारगेट हमें रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। तो इसपे मैंने इसमें मैंने एक वीडियो बना के भी आपके साथ शेयर किया था, वहां से स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा मूव दे चुका है। बट यहाँ पे हम बात करें तो परसों के वीडियो में मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे जब टाइटन था कि 61.8% का कोई भी रिट्रेसमेंट होता है, डिप होता है, हम एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग बेट के लिए हमें यहाँ पे 3729 का टारगेट रिटेस्ट होता हो दिख सकता है। इसके बाद जो पोजिशनली हमें यहाँ पे 4100 का टारगेट रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। तो अगर हम देखें तो टाइटन में एक अच्छा मूव हमें ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला। प्राइस 81% का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके हम होल्ड कर रहा है। अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे एक मोमेंटम के बाद आपको चार कैंडल यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड करता हुआ दिखेगा, तो हम बोल सकते हैं पोलैंड फ्लैग का भी पैटर्न है या फिर ये 81% को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर इसका ये ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वैसे भी टाइटन में हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न बन रहा है और आने वाले टाइम में टाइटन के अंदर हमें यहाँ पे 127% जो कि 4100 के आसपास का लेवल है ये रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो फिर हमें 4400 तक का टारगेट यहाँ पे रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें इप्का लैब, ये भी मैं आपके साथ काफी लोअर लेवल से ऑलरेडी शेयर करता आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो टारगेट है 127% का इंटैक्ट है जो कि 1575, और स्लोली स्लोली स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये टारगेट को अचीव करता हुआ दिख रहा है। हालांकि मार्केट में जैसा भी परफॉर्मेंस हो, अगर हम बात करें निफ्टी की या बैंक निफ्टी की, तो सारा इंडाइसिस आपको साइडवेज दिखेगा, बट जितने भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे शेयर किए हैं वो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो आपका बजाज फिनसर्व हो, या फिर आप टाइटन की बात कर ले या फिर आईटी के स्टॉक की बात कर ले, M&M फाइनेंस की बात कर ले, तो सारे स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इपका लैब का यहाँ पे चार्ट, तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा जो कि हमें टाइटन के अंदर में बनता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस है आके होल्ड करा 111%, मतलब कोई भी डिप यहाँ पे होगा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा और इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट आता है तो फिर सीधा ये 1575 के टारगेट के लिए प्लान करेगा जो कि 127% का लेवल है। मैरिको की बात करें तो मैरिको में यहाँ पे एक करेक्शन पूरा होता दिख रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को चल के देखें तो यहाँ पे प्राइस काफी अच्छा अप ट्रेंड के अंदर में चल रहा था,
यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्राइस हायर हाई हायर लो के पैटर्न में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। अभी भी ये लो जो है वो ब्रीच नहीं हुआ, बट अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि तीन मूव में वेव ए का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे तीन मूव में वेव बी का फॉर्मेशन, और यहाँ पे एक इम्पल्सिव नेचर मतलब पांच मूव में वेव सी का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो आपको यहाँ पे पांच मूव देखने को मिलेगा। ये वेव वन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे वेव सेकंड का फॉर्मेशन हुआ, बोल सकते हैं यहाँ पे वन टू ये थ्री फोर फाइव मतलब वेव थर्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे वेव फोर्थ, और यहाँ पे भी आपको पांच मूव में वन टू थ्री फोर और फाइव मूव में वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। मतलब कि ये जो करेक्शन है मैरिको का ये कहीं ना कहीं ओवर होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है, जैसे मैं इसको पोर्टफोलियो में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ तो मैरिको में पोजीशन बनाया जा सकता है। यहाँ पे हमें एक नया हाई रीटेस्ट होता हुआ दिख सकता है, तो मैं टारगेट जो है वो एक दो दिन के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखता हूँ कि पहले यहाँ पे लाइक ये ए बी सी करके हो सकता है कि ये डब्ल्यू का भी फॉर्मेशन कर सकता है और यहाँ पे एक्स का भी फॉर्मेशन हो, तो जो टारगेट है वो मैं आपको एक दो दिन में बताऊंगा जब ये प्राइस एक्स को ब्रेक करेगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें आईटीसी की, तो आईटीसी ये मैंने काफी लोअर लेवल पे आपके साथ शेयर किया हुआ था, यहाँ पे वेव फोर्थ का फॉर्मेशन चल रहा था, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि यहाँ पे वेव ए का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे वेव बी का फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपका वेव सी का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद प्राइस ऊपर को मूव करना स्टार्ट कर रहा था, तो कुछ इस लेवल के आसपास में मैंने शेयर किया था कि यहाँ से आईटीसी के अंदर हमें एक नया हाई लगता हुआ दिख सकता है जो कि आपका 526 के आसपास का लेवल है। इसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर आया, हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट ये लो प्रोटेक्टेड था। इसके बाद हमें वापस से अपने टारगेट के आसपास में प्राइस मूव करता हुआ दिख रहा है। 75 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस 111% मतलब कि यहां से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेके हमें सेलिंग देखने को मिल रहा था, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश हुई, इमीडिएट सेलिंग देखने को मिला और प्राइस वापस से इसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी जो डिप होगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, जो टारगेट होगा वो 127% का, इट मीन्स कि आने वाले टाइम में हमें यहाँ 526 का टारगेट रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। चलिए अब इंडेक्स को डिस्कस कर ले, तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को हम अब यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वेव फोर्थ का फॉर्मेशन हो सकता है, इसके बाद हमें वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पैटर्न को यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वेव ए का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे वेव बी का और यहाँ पे वेव सी का, तीनों मूव को मिला के मैंने यहाँ पे डब्ल्यू कंसिडर किया है, यहाँ पे वेव एक्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा और तीन मूव में यहाँ पे वेव वाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। देन आफ्टर यहाँ से प्राइस जो है वो अप मूव में आया, तो हम बोल सकते हैं कि ये डबल एक्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है, और यहाँ पे आपका देखेंगे तो ये 127% मतलब वेव डब्ल्यू जितना है इसका 127% ये फॉल हो चुका है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जेड का भी फॉर्मेशन हो चुका है। तो प्राइस अगर 38% के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है मतलब कि 25179 25200 के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन बनाया जा सकता है, हमें पोजिशनली यहां पे 25,400 का टारगेट रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है जो कि 127% है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, रीजन बिंग जैसा मैंने आपके साथ ट्रिपल करेक्शन का पैटर्न वहां पे निफ्टी के साथ शेयर किया, बैंक निफ्टी में सेम पैटर्न 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी बन चुका है, मतलब कि यहाँ पे डब्ल्यू का, यहाँ पे एक्स का, यहाँ पे वाई, डबल एक्स और जेड का फॉर्मेशन होने के बाद जो प्राइस है 38% के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कोई भी डिप आता है 38% मतलब कि 51,000 तक, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे 127% मतलब कि 54,130 का लेवल रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। जय सियाराम।